मुमरा कौसा हुआ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन से बाहर, थाने महानगर पालिका ने बनाए नए नियम। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। ये 31 अगस्त तक की अवधि जो बड़ी है, उसमें जो नए आदेश और नए नियम जारी किए जा रहे हैं, वो नियम 5 अगस्त से लागू कर दिए जाएंगे। सरकार व प्रशासन द्वारा इस लॉकडाउन में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि मॉल वगैरह खोले जाएंगे, परंतु शासन वो सरकार के आदेश वो नियम अनुसार राज्य सरकार के बढ़ाए जाने वाले इस लॉकडाउन के आदेशों का पालन करते हुए थाने महानगर पालिका ने भी नई सूची जारी की है, नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जितनी भी प्रभाग समितियां आती है, हमारी जानकारी के हिसाब से कुल 9 प्रभाग समितियां थाने महानगर पालिका में आती है। इस कुल प्रभाग समितियों के लिए थाने महानगर पालिका ने भी नए आदेश, नए नियम जारी किए हैं, नए गाइडलाइन बनाए हैं। राज्य सरकार के 31 अगस्त तक लॉकडाउन लगाए जाने आदेश को ध्यान में रखकर थाने महानगर पालिका ने भी 5 अगस्त से नए नियम वो नए आदेश शुक्रवार 31 अगस्त को थाने मनपा आयुक्तालय में थाने महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर बिपिन शर्मा के हस्ताक्षर से नई सूची जारी की गई है, जो कि आप थाने महानगर पालिका की वेबसाइट पर जाकर देखिए या डाउनलोड कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो इस तरह थाने महानगर पालिका की 9 प्रभाग समितियों में से थाने महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने मुमरा प्रभाग समिति को हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है, या एक प्रकार से कहे तो मुमरा अब कोरोना मुक्त हो गया है। मुमरा में मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर कौसा तक कोई हॉटस्पॉट नहीं है, कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है, इसलिए अब मुमरा कोरोना फ्री हो गया है। तो इस प्रकार से जो पहले के आदेशों में कारोबारियों के लिए ऑड एंड इवन की जो प्रक्रिया चली थी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, उसी प्रकार से दुकानें खुलेगी, दुकानें बंद होगी। जैसे एक लाइन इस तरफ की खुलेगी तो दूसरी लाइन दूसरे तरफ की खुलेगी, मार्केट भी खुलेंगे, सब्जी मंडी भी खुलेगी। इस तरह 5 अगस्त से नए नियम, नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन रहेगा। तो इस प्रकार से थाने महानगर पालिका में 9 प्रभाग समिति में से जितनी भी प्रभाग समितियां हैं, उन प्रभाग समितियों में से हर प्रभाग समिति में कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट जोन है। केवल एक मुमरा प्रभाग समिति ऐसी है जहां ये सिरे से वो सिरे तक कहीं भी हॉटस्पॉट नहीं है, कंटेनमेंट जोन नहीं है। हालांकि मुमरा प्रभाग समिति इन प्रभाग समितियों के बीच में है, फिर भी मुमरा प्रभाग समिति में कोई हॉटस्पॉट, कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ दिनों से थाने महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुमरा कौसा में कोरोना टेस्ट का अभियान चलाया गया है। कई इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए गए, जैसे दरगाह रोड पर, इंशा नगर पर, फायर ब्रिगेड के पास, ऐसे और भी कई जगहों पर मेडिकल कैंप लगे। हमारी जानकारी के अनुसार और आधिकारिक रूप से महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 जुलाई तक कुल मिलाकर 1758 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 6 लोग पॉजिटिव संक्रमित पाए गए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुमरा वासियों ने कोरोना को हरा दिया है, मुक्ति पा ली है। फिर भी सावधानी जरूरी है, सावधानी बरतना चाहिए। इसके लिए मुमरा प्रभाग समिति को और मुमरा कौसा वासियों को 2 घंटे बढ़ाकर दिया गया है। जैसे सुबह 9 बजे से 5 बजे का समय था, अब 2 घंटा बढ़ाकर सुबह 9 बजे से 7 बजे का समय दिया गया है। कारोबारियों के लिए, सब्जी मंडी के लिए, मार्केट के लिए दिया गया है। तो ये मुमरा वासियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है कि अब मुमरा कोरोना मुक्त हो चुका है। ऐसे ही सावधानी बरते, ख्याल रखे, अपना भी रखे, अपने परिवार का भी रखे, अपने आस पड़ोसियों का भी रखे, अपने शहर का रखे, अपने राज्य का रखे, अपने देश का रखे। ये थी हमारी 31 अगस्त तक महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।